अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। और इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को सबसे पहले हम यहाँ पर रीड आउट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो जाए कि मालूम क्या करना है। वकास विशेष टू डिस्ट्रीब्यूट 128 बनानास एंड आल्सो 176 एप्पल्स इक्वली अमंग अ सर्टन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। वकास के पास 128 बनानास है और 176 एप्पल्स हैं और वो इनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है अ सर्टन नंबर ऑफ चिल्ड्रन में, मतलब कुछ बच्चे हैं, उनकी कुछ तादाद है हमारे पास, वो उनके दरमियान इनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। फिर आगे वो लिखते हैं कि फाइंड करें द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। हमने यहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन को फाइंड करना है। हु कैन गेट द फ्रूट इन दिस वे, जो इस तरीके से इन फ्रूट को हासिल कर सके। इस मकसद के लिए हमें यहाँ पर एचसीएफ को फाइंड करना होगा और एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। अब यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि जिसमें आप लोगों के पास जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो शो कर रहा है एचसीएफ को, नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल बी एच सी एफ। ये हमारे पास एच सी एफ होगा, किसका एच सी एफ होगा? आप 128 एंड 176, 128 और 176 का एच सी एफ है आप लोगों के पास बेसिकली। अब हम यहाँ पर मेथड की तरफ आ जाते हैं जो इंतहा ही आसान है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो नंबर छोटा होगा वो डिवाइजर बन जाएगा और जो नंबर बड़ा होगा उसको हम डिवाइडेंड ले लेंगे। 128 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 128 आ जाएगा, क्योंकि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 से नंबर बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये आप लोग के पास 6, 6 से जब हम 8 को माइनस करना चाहेंगे तो नहीं होगा, इसके लिए 1 कैरी करेंगे यहाँ पर, तो ये 16 हो जाएगा। 16 से हम 8 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। इधर रहेगा आप लोगों के पास 6, इधर 1 कैरी करके आता तो ये 6 माइनस 2 इधर आ जाएगा 4, और 1 माइनस 1 0, तो 0 को यहाँ पर लेके आने की जरूरत नहीं है। और एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड ऑलरेडी आप लोग इसको सीख चुके हो कि आप लोगों के पास हर स्टेप बाद जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर बन जाता है, लेकिन जो डिवाइजर होगा वो आप लोगों के पास डिवाइडेंड बनेगा, तो ये 128 इधर आ जाएगा। अब हमें इस 48 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि या तो हमारे पास 128 आ जाए या इससे छोटा कोई नंबर आ जाए। तो जब हम 48 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 96, क्योंकि जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 से बड़ा हो जाएगा, हमें बड़ा नंबर यहाँ पर नहीं चाहिए। अब 8 से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो आप लोग के पास आ जाएगा 2, और ये 2 तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 9 से छोटा है, तो इसलिए हम यहाँ से 1 कैरी करेंगे इसके लिए, तो ये 12 बन जाएगा, और 12 से आप लोग जब 9 को माइनस करोगे तो इधर आ जाएगा 3, तो ये तो खत्म हो गया, तो इधर रह गया 0 और ये बन गया आप लोग के पास 12, 32 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 48 इधर आ जाएगा। 32 को हमें एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि या तो आप लोग के पास 48 आ जाए या इससे कम कोई नंबर आ जाए, तो 32 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 32, 8 माइनस 2 6, और 4 माइनस 3 1, अब 32 यहाँ पर आ जाएगा। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो बन जाएगा 32। हमें इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना होता है, तब तक हम इसको हल करेंगे जब तक आप लोग के पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। और इस मेथड को ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हो और ये आप लोग को मैं बता भी चुका हूँ कि आप लोग के पास एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड में हर स्टेप के बाद आप लोग के पास जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर बन जाता है, और जो डिवाइजर हो गए वो आप लोग के पास डिवाइडेंड बन जाता है। अब जो आपके पास जो सबसे लास्ट डिवाइजर होगा वो बन जाएगा एचसीएफ। सो दस द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जो हमारे पास आ गए वो होंगे 16।
सो दिस इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन. हमारे पास वो हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहां पर हमने फाइंड आउट कर लिए जिनको एप्पल्स और बनाना इक्वली मिलेगा. सो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हमने अगले एक्सरसाइज की तरफ जाना होगा. इसके साथ एक्सरसाइज 6.1 खत्म हो गया. अल्लाह हाफिज.